खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिस ने 48 घंटे में ही घटना का खुलासा कर दिया है। दरअसल अवैध संबंधों के चलते साले ने बहनोई को उतारा था मौत के घाट। कोतवाली सदर के मोहल्ला हिदायत नगरी में हुई थी हत्या। सुबह नमाज पढ़ने जा रहा था जावेद अली, बांक से बार करके की थी हत्या। अभियुक्त की निशानदेही पर आला कमाल बांक को बरामद कर लिया है। पुलिस ने मृतक के साले रौनक अली को जेल भेज दिया है। देखो, हिदायत नगर में सुबह एक हत्या का प्रकरण आया था, जिसमें जाबिर नाम के व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, धारदार हथियार के द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह प्रहार उनके सिर पे किया गया था। घटना स्थल पे मेरे सहित पूरी टीम का मुआयना किया गया और घटना स्थल के निरीक्षण के बाद कुछ चीज़ें सामने आ गई थी। उस एंगल पर हमने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा और जो FIR में नामजद दो व्यक्ति थे, उनमें से एक व्यक्ति का इसमें नाम आया है। और सुबह से भी हम मान के चल रहे थे जो रौनक अली है, जो रिश्ते में इनका बहनोई है मृतक का, उसने इसकी हत्या की थी। हत्या में जो धारदार हथियार बाकी का प्रयोग किया गया था, वो भी बरामद कर लिया गया है। हत्या की मोटिव के बारे में बताना चाहूँगा कि रौनक अली की जो पत्नी थी, 3 या 4 साल पहले मृतक के साथ संबंध होना बताया गया था। और कुछ ऐसे तथ्य थे जिसकी जानकारी रौनक अली को कुछ हफ्ते पहले हुई थी। तब से ही वो अपने विरोध कहें या फिर इसको कह सकते हैं कि आत्मग्लानि में या फिर उससे बदला लेने की भावना से ग्रसित था और लगातार अपनी प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह इसको हत्या करें। इसी क्रम में जो 31 तारीख की रात में सुबह रात में ही वो बंदा उस जगह को प्लानिंग किया था कि मुझे सुबह इस कारनामे को अंजाम देना है। सुबह 4 बजे जब नमाज अदा करने के लिए मृतक अपने घर से निकला तो ये घात लगा के खड़ा था। इतने तेज वार से उसके सिर पे प्रहार किया और उस प्रहार से इसको बहुत गंभीर चोट आई। उसके बाद ये उसी अवस्था में डेड बॉडी को, या मृतक उस समय शायद उसकी मृत्यु हुई नहीं थी, अचेतावस्था में ही इसे अर्धनिर्मित मकान में फेंक दिया। त्वरित कार्रवाई करते इसमें FIR पंजीकृत किया गया है और 48 घंटे के अंदर ही इस घटना का अनावरण किया गया, जिसमें हत्या में प्रयुक्त जो सामग्री थी उसका खुलासा किया गया, बरामद किया गया है। दूसरा जो हत्यारा है उनसे भी बातचीत की गई, तो जो मोटिव था, जो हत्या करने का जो क्रमबद्धता थी, उसे भी क्लियर किया गया। घटना के सफल अनावरण और सही से अनावरण तथा इसके पीछे जितने भी सबूत थे उनको बरामद करने के लिए हमारी पूरी टीम को जो थी उसको 20,000 का इनाम भी दिया जा रहा है।